सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी को लेकर और साथ में डिस्कस करेंगे आयनॉक्स विंड। दोनों कंपनियां किस सेक्टर में काम करी है तो आपको पता ही होगा, दोनों का एक ही बिजनेस है और दोनों एक दूसरे के कंपटीशन में है। आप लोग देखो कि सुजलॉन एनर्जी हाल ही में इसने पीछे अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिस्क्लोज किए थे और स्टॉक आप लोग देखोगे 54-55 रुपए के आसपास था और वहाँ से स्टॉक हमें जो अभी ऊपर में 63-64 रुपए के आसपास हमें जो अभी उछलते हुए नज़र आया है। प्रीवियस वीक में इसने बाउंड वीक हाई भी क्रिएट किया था अभी इसी में। और अब आप लोग देखोगे इन दोनों में कौन सा शेयर अच्छा चलने वाला आगे। आयनॉक्स विंड है, तेज़ी बरकरार है, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी 4% चला। और सुजलॉन एनर्जी है, हमारी प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर बोला था जब ये शेयर आपको 60 के ऊपर में निकलते हुए नज़र आया है तो यहाँ से अब इसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है भाई। या फिर आप लोग देखोगे अगर तेज़ी बन रही है तो रैली एक तरफा हो सकती है और नीचे में हम जो है स्टॉप लॉस वगैरह लेके चल सकते हैं। ठीक, अभी भी आप लोग देखोगे इसका सर्किट फिल्टर चेंज नहीं हुआ है, 5% ही है। और दूसरी तरफ आप लोग आयनॉक्स विंड है, उसके रिजल्ट्स अभी बाकी है। रिजल्ट से पहले स्टॉक में शानदार रैली है और रिजल्ट जब अच्छे आएंगे तो उस कंडीशन में स्टॉक और रैली दिखा सकता है। उस शेयर का टारगेट क्या रहेंगे और सुजलॉन एनर्जी इसके आगे के कैसे रहेंगे लेवल वगैरह, तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं चार्ट्स पर। और भाई चार्ट से पहले आपको बता दूं हमारा टेलीग्राम ग्रुप आ चुका है, आप लोग भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां पर आपको बेस्ट क्वालिटी के शेयर जो अभी के टाइम मार्केट में करेक्शन बनी है, शेयरों में गिरावट हमें देखने को मिली थी। ठीक है, आप लोग देखोगे आपको मार्केट तो ऑल टाइम हाई पर है लेकिन कुछ एक शेयर हैं जो इस ऑल टाइम हाई पर मार्केट जाने के बावजूद भी हमें गिरावट में देखने को मिल रहे, जैसे रेलवे के होंगे और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो आपको बेस्ट क्वालिटी के शेयरों के लिए अगर आपको भी हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना कर सकते हो भाई, जहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी के शेयर है, जहां पर हम एंट्री लेके चलेंगे आगे के लिए। आप हमारा जो पोर्टफोलियो अभी के टाइम हम क्रिएट करेंगे जो हम अगले 6 महीने के लिए रखेंगे और एक अच्छे खासे रिटर्न्स के लिए, तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो सुजलॉन में हमें जो अभी ऊपर से थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है और अभी के टाइम जो शेयर जिस रेंज में है, जिस भाव पर है, यहाँ पर हम जो अभी ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाले हैं। तो आप भी अगर ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाले हो तो नीचे में लगभग 60 रुपये के आसपास का या 59 रुपये का सपोर्ट बन रहा है भाई, ये सपोर्ट के तौर पर पकड़ के चलिए। अगर इस लेवल को स्टॉक ने नीचे में काट दिया, अगर 59 रुपये 60 पैसों को नीचे में काट दिया तो इसके चांस रहेंगे फिर से 50 और 51-52 के आसपास आने के। तो इसीलिए यहाँ पर हमें जो अभी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, इसे थोड़ा सा सावधान हो जाइए, ज़्यादा रिस्क लेने वाले नहीं है उनके लिए भाई। और जो चल रहे आगे लिए 6 महीने के लिए हैं, 1 साल के लिए हैं, उन्हें अभी होल्ड करना चाहिए। और ऊपर से स्टॉक में अगर अच्छी खासी गिरावट बनती है 10-15% तो वो SIP के लिहाज से सही होगी और इस शेयर को अगले 1 साल के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। 1 साल के लिए नहीं कर सकते तो कम से कम 6 महीने के लिए ज़रूर करेंगे भाई। तो अब उसके बाद आप लोग देखो, एक जो मैं आपको बता दूँ, इस शेयर में आप लोग देखो जब भी एक अच्छी रैली बनती है उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो सेम यहाँ पर भी आप लोग देखोगे, पीछे भी आपने देखा होगा यहाँ पर रैली, जब जब स्टॉक में रैली उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो यहां पर अब तेजी में तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं, इसलिए नीचे में सपोर्ट के ऊपर फोकस कर सकते हैं भाई। और जो दूसरा स्टॉक है उसमें भी काफ़ी अच्छी रैली आने की संभावना है। और यहाँ पर जो बहुत से निवेशक हैं, फिर आप लोग देखोगे भी जेएम फाइनेंशियल्स हैं, उन्होंने भी यहाँ पर टारगेट अपग्रेड कर दिए हैं। अब 73 रुपये के टारगेट कर दिए थे उन्होंने 58 रुपये से इंक्रीज करके, तो 73 देखो भी वहाँ तक स्टॉक जाएगा जरूर लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। तो यहाँ पर देखोगे भी आयनॉक्स विंड एक स्ट्रांगली अप ट्रेंड स्टॉक में है, इसमें कोई दोराई नहीं है। यहाँ से आप लोग देखो स्टॉक काफ़ी टाइम से इस अप ट्रेंड को फॉलो किए हुए हैं, बट यहाँ पर एक ऊपर में रेजिस्टेंस भी तो बन गया ना, स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बना हुआ है। इस लेवल पर आप लोग देखोगे स्टॉक गया, ठीक है, 76 रुपये के 175-176 उस रेंज में, लेकिन ब्रेक नहीं, ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं किया, अभी फिर से ऊपर से नीचे आया। यहाँ पर सेम कंडीशन बनी है, स्टॉक यहाँ तक गया फिर नीचे आया, यहाँ पर फिर वही कंडीशन बनी है, स्टॉक उस लेवल के आसपास गया हुआ है। 176 को अगर ये ब्रेक करके सस्टेन करता है ऊपर में, तो उस कंडीशन में आप लोग देखोगे ये शेयर हमें ऊपर में लगभग 185 से लेकर आप लोग देखोगे 200 रुपये तक के लेवल दिखा सकता है और ये रिजल्ट्स के दौरान ही होते हुए नजर आ सकता है भाई। तो अभी के टाइम इस शेयर को भी होल्ड करना सबसे बेस्ट है। नीचे में स्ट्रांगली सपोर्ट की बात करें तो 154 का सपोर्ट है, उसके नीचे आगे देखो भी किसी मार्केट में गिरावट की वजह से यहाँ पर फॉल बनता है तो 138 का सपोर्ट है। अगर
138 के आसपास आता भी है शेयर, यानी 140 के आसपास आए, 150 के नीचे में आए, तो वो फ्रेश एंट्री के लिहाज से SIP करने का सही टाइम होगा। बट कारण कुछ भी नहीं होना चाहिए भी गिरावट के पीछे, क्योंकि मार्केट में कोई बड़ी करेक्शन है उसकी वजह से गिरावट हो रही है, कोई चक्कर नहीं है। यदि कोई बिना रीजन की गिरावट हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में बाय कर सकते हैं। या फिर कंपनी रिगार्डिंग कोई नेगेटिव न्यूज़ आए तो उसके रिगार्डिंग आपको जो है थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसे आएगा नहीं। अच्छी कंपनी है और एक लॉन्ग टर्म में अच्छा जो है भी पोर्टफोलियो को बूस्ट कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।